हेलो दोस्तों, आज आप लोग के लिए लाया है डर का बैडलर 581 मल्टीप्लेक्स की ओल मशीन। ठीक है फ्रेंड्स, आज इस मशीन का कैसे प्रोग्राम बनाता है, साइक्लिक प्रोग्राम कैसे बना सेट करता है और लूप और स्पेडर के किधर टाइमिंग रखता है, कैसे रखता है, सब कुछ हर चीज़ का A to Z जानकारी दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक देखते रहना। और फ्रेंड्स, जो हमारा चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। ठीक है फ्रेंड्स, और शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और वीडियो के एंड तक देखिए। चालू करते हैं आज का नया वीडियो के साथ। इसमें ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जो वन है वो प्रोग्राम है। ठीक है, प्रोग्राम को अंदर जाने के लिए आपको पी प्रेस करना है। ठीक है, पी प्रेस करके तो ऐसा आएगा इंटरफेस। देखिए नंबर वन, उसका जो डाउन है उधर सिंबल चेंज करना है। सिंबल कौन सा शेप में चाहिए आपको, नीचे बाटेक चाहिए, होल चाहिए, नहीं तो राउंड चाहिए, उधर चेंज कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 के 4 स्टेप आए, चारों प्रोग्राम आएगा, उधर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है लेंथ, टोटल लेंथ कितना चाहिए वो सेट करने के लिए। नेक्स्ट है SPI, क्योंकि हमारा 1.8 है। नेक्स्ट है ये है लेंथ, लेंथ किस चीज़ का लेंथ है, थ्रेड लेंथ, जो थ्रेड पकड़ता है उसका लेंथ। ठीक है, उसके बाद है स्टार्टिंग जीरो स्टिच, स्टार्टिंग जीरो स्टिच और उसका नीचे एंडिंग जीरो स्टिच, उतना ही फ्रेंड्स स्टिचिंग संबंध का पूरा है। नेक्स्ट है ये टेंशन, टेंशन मीन्स थ्रेड प्रेशर। ठीक है, पहला है टोटल, टोटल कितना प्रेशर चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ये एंडिंग का और उसका नीचे जो है वो स्टार्टिंग का, स्टार्टिंग का थ्रेडिंग प्रेशर के लिए। ठीक है, इसके बाद एरो मार्क, देखिए ये बैक, ये प्रेस करेगा तो साइड का जो एरो मार्क है वो एक ही बार बैक आएगा। ESC वो प्रेस करेगा तो टोटल होम पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, ये तो गड़बड़ी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है राउंड शेप का चेंजेस करने का प्रोग्राम। ठीक है, राउंड शेप बड़ा चाहिए छोटा चाहिए वो प्रोग्राम में जाके आप चेंज बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये है स्टिचिंग, राउंड में कितना स्टिच चाहिए, ये एंगल उसका नीचे जो है वो एंगल है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, नेक्स्ट है झिकझाक, झिकझाक बड़ा छोटा करने के लिए। ठीक है, कोई भी चीज़ बड़ा छोटा करने के लिए तो पहले ब्लैक मार्क को व्हाइट करना है। ओके बटन प्रेस कर तो व्हाइट होता, उसके बाद चेंजेस कर सकते। ये लास्ट है 0.5 ही है, लास्ट है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है वो है नाइफ का, नाइफ का बारे में। ठीक है, कट आफ्टर, देखिए फ्रेंड्स कट आफ्टर, कट बिफोर, कट आफ्टर ऑन करेगा तो आपको ऑप्शन सभी आएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें स्टार्टिंग जो है गैपिंग का, नेक्स्ट जो है ये वो इम्पोर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको सिंबल चेंज कर सकते हैं, आपको लेपल चाहिए तो छोटा वाला नहीं पता है वो डाल सकता है, नहीं तो फुल कट होना है तो फुल का भी कर सकता है बाद में। आई शेप में खाली आई शेप में राउंड कट होना है तो उसके लिए भी वो कर सकता है, उसमें नेक्स्ट प्रोग्राम जो है उसमें चेंज कर सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा जो अभी हमारा 25 लेंथ है वो ऑटोमेटिक कटिंग हो जाएगा, 23 कट होता है उसको कम कर सकता है, ज़्यादा नहीं कर सकता, 2 mm का डिफरेंस रहता है। ठीक है, इतना ही है, बाकी सब ईजी है, उतना कुछ ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है काउंटिंग स्पीड, सॉरी स्पीड है ये, स्पीड स्पीड आपको ज़्यादा चाहे कम चाहे कर सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी ध्यान से देखिए अभी, उसके बाद अभी एक ही प्रोग्राम है हमारा, और एक प्रोग्राम बनाना चाहेंगे तो आपको क्या करना है वो देखिए। ठीक है, उसके लिए आपको यस प्रेस करना है, यस प्रेस करके देखिए हमारा जो 2 में 0.0 था अभी 2 में लेके आके ओके प्रेस करेगा तो
और एक प्रोग्राम सेट हो जाएगा, 02 हो गया, ठीक है। 02 में अभी लेपल का जो सेट किया, ठीक है, ऐसे और एक प्रोग्राम सेट करना है, ठीक है। उसके लिए फिर से आपको यस प्रेस करना है, ठीक है फ्रेंड्स। यस प्रेस करके देखिए, यस प्रेस करके अभी 3 नंबर में 00 है ना, उसको हम चेंज करते हैं, ठीक है। उसमें भी 02 रखते हैं, ठीक है, आपको दिखाने के लिए 02 ही रखते हैं, ठीक है, लेपल का जा, ठीक है। अभी देखिए हमारे तीनों प्रोग्राम सेट हो गया। अभी इसको साइक्लिक प्रोग्राम में जाने के लिए देखिए, साइट का जो एरो मार्क है वो ले नीचे लेके आके देखिए, ऐसा ब्लॉक आएगा, उसको एरो करना है, एरो मार्क जैसे आता है, ठीक है, ओके करके तो एरो मार्क आएगा, वो एरो मार्क आने से आपका साइक्लिक प्रोग्राम ऑन हो गया, ठीक है। ऐसा ही है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आपको उसको हटाना है तो फिर से 00 कर देगा तो वो ऑटोमेटिक हट जाएगा और एक प्रोग्राम हट जाएगा, सिंपल, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारे प्यारे दोस्तों, जिसने भी हमारे वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें प्लीज़, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आप लोग को दिखाएंगे कोड डाल के कैसे जाता है अंदर, ठीक है। उसके लिए आपको ये प्रेस करना, ठीक है, प्रेस करके इधर कोड डालना, ठीक है, 2548 ये हमारा कोड है, ठीक है, लड़का वर्ल्ड का यही कोड होता है, ठीक है। बाद में ओके दबाना, ओके दबाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं, देखिए नीचे आएगा तो आपको मल्टीप्लेक्स आएगा, ठीक है, मल्टीप्लेक्स, हाँ ये ऑप्शन, इसमें आके ओके दबाने के बाद इसमें दो ऑप्शन है, मल्टीप्लेक्स और मोनो, मल्टी और मोनो, मल्टी मीन्स दोनों बार नाइफ गिरता है और मोनो मीन्स एक ही बार नाइफ गिरेगा, ठीक है। मल्टी ऑन करेगा तो सारा ऑप्शन ऑन होगा, मोनो ऑन करेगा तो उतना ऑप्शन ऑन नहीं होता है, ठीक है, नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको स्टिच करके दिखाता है, देखिए फ्रेंड्स इसमें कैसे डबल नाइफ गिरेगा वो भी दिखाता है, ठीक है, दो बार नाइफ गिरता है, ठीक है। और इसमें दोनों नीचे दोनों नाइफ लगा रहता है, ठीक है, एक आई का भी लगा सकता है, एक फुल नाइफ कट होता है ना उसका भी लगा सकता है, ठीक है। अभी देखिए बोर्ड में देखिए, खाली ऊपर का नाइफ फोन है, अभी नेक्स्ट देखिए खाली ऊपर का राउंड में कट होगा, देखिए फ्रेंड्स तब क्या होता है, शिफ्ट होता है नाइफ, शिफ्ट होता है, सिलेंडर दिया है नीचे उसके लिए नाइफ शिफ्ट होता है, तब खाली आई में कट होगा, देखिए उसके लिए नीचे नाइफ लगाना पड़ता है, ठीक है, आई का, नहीं तो लेपल चाहिए तो आपको लेपल का भी नाइफ लगा सकता है, ठीक है, देखिए खाली आई कट हुआ है इसको, इसीलिए बोलता है इसको मल्टीप्लेक्स, हर चीज यूज होता है इसमें, ठीक है। देखिए दोनों नाइफ है, एक बॉडी का जगह के लिए नाइफ, एक खाली राउंड शेप के लिए, दो नाइफ है, देखिए फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, शिफ्ट होता है, ठीक है। इसको ओपन करने के लिए 3M एलन की दिया है ना, ओपन करेगा तो आपको इजीली ओपन हो जाएगा, ओके। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप लोग को दिखाएंगे लूपर टाइमिंग, स्पेडर टाइमिंग कहाँ रखता है, ठीक है। उसके लिए मशीन ऊपर उठाना पड़ेगा, ऊपर उठाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, अभी जो ऊपर का दो अलंकी है 2.5 का, देखिए ऊपर का जो क्रू होता है ये होता है लूपर के लिए, और नीचे का जो दो है अलंकी 2.5 और 2.5 ये होता है स्पेडर के लिए, ठीक है। ये एडजस्ट करेगा तो आपका सिंगल सिंगल लूपर स्पेडर दोनों एडजस्ट होगा, ठीक है। और दोनों को स्लो फास्ट करने के लिए लूपर को, उसके लिए कैम में जाके आपको लूज करके एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए मशीन उठा के फुल ऊपर करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 3M एलंकी रहेगा, वो लूज करेगा तो
देखिए वो जो थ्री एम एलन किया वो लूज करेगा तो आपको दोनों स्लो फास्ट हो जाएगा, ठीक है लूपर का। ठीक है नेक्स्ट देखिए ये सभी है एयर का सिलेंडर के लिए, एयर गया है इधर से, ठीक है। और फ्रेंड्स ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही नया नया वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जो लोग नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। थैंक यू दोस्तों।